बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने फतेहपुर में उपचुनाव 2021 में दोनों शीर्ष पार्टियों भाजपा व कांग्रेस को हिला कर रख दिया है। इसके साथ साथ दोनों पार्टियों के नेताओं की नींद भी उड़ा दी है। सूत्रों की माने तो डॉक्टर राजन सुशांत का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान पिछले काफी लंबे समय से चलता रहा है और लोगों का इस पर भरपूर साथ भी मिल रहा है। डॉक्टर राजन सुशांत ने कस्बा धमेटा में अपने उपचुनाव की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 विधानसभा के चुनाव में फतेहपुर के एक पैराशूट नेता ने कहा था कि फतेहपुर के विकास के लिए 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ की योजनाएं ला सकता हूं। आज दिन तक दिखाए गए ये सपने जुमला ही साबित हुए हैं। विरोध प्रकट करें, विरोध प्रकट करो, ये चुनाव का मौका है। दूसरे मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, बड़े खुश हैं, पहली बार सोचते नहीं है, पहली बार कोई सरकार आई, हर चौथे महीने 2000। भाई और बहनों, 4 महीने का 2000 क्यों, महीने का 500 क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि 2000 ज्यादा लगता है, महीने का 500 ही मिलता है ना। एक महीने का 500 तो एक दिन का कितना मिला? 500 को 30 से भाग करो जरा, कितना मिला? रहने दो यार, एक महीने का 500 तो एक दिन का कितना, 30 से भाग करो, 17 रुपए। और एक परिवार में 6 सदस्य होते हैं कम से कम, 2 माँ बाप, मियां बीबी और 2 बच्चे, 6 को 1 दिन के 17 रुपए इस मोतियों वाली सरकार ने आपको दिया है, तो 1 को कितना दिया? 6 को 17 तो 1 को कितना दिया? 3 रुपए भी नहीं बनते। अरे किसान भाइयों, आपके परिवार में एक मेंबर को ये सरकार 3 रुपया रोज का दे रही है, आप खुश हो रहे हो, वोट भी डाल रहे हो। अरे 3 रुपए तो दिल्ली और मुंबई में भिखारी भी नहीं लेता। भिखारी भीख मांग रहा होगा, आप कहोगे ये पकड़ 3 रुपए फेंकता है, बाबू मालूम नहीं है महंगाई कितनी है? अरे हमने तो शर्म छोड़ दी, तूने भी शर्म छोड़ दी देते हुए। उज्जवल हिमाचल के लिए रहम से अरुण पठानिया। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।